प्रदूषण की मार झेल रहे शहरों में नागरिकों को खुले में सांस लेने की परेशानी खड़ी हो गई है, जिससे जीवन चक्र पर सवाल खड़े किए जा रहे। एक दूसरी सरकारों पर दोष मढ़ने के साथ साथ किसानों की फसल अवशेष जलाने और इंडस्ट्रीज पर प्रदूषण फैलाने का दोषारोपण कर झगड़ा किया जा रहा है। लेकिन इको फ्रेंडली साधन अपनाने से हर कोई परहेज कर रहा है। हमें वृंदावन के लोगों द्वारा अपनाई जा रही बुल पावर तकनीक को अपनाने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। सरकारों पर आश्रित न रहकर प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए हम इस तरह की तकनीक अपने शहरों में भी अपना सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाड़ी बनाई है, दो बैल जोड़े हैं स्कूल के लिए। मैं रोज 40-50 बच्चे ले जाता हूँ रोज गाड़ी में बच्चों की सेवा के लिए। फुल पावर ये ट्राली है, सेफ है बच्चों की, सेफ गाड़ी। हाँ तो क्या माँ बाप इसमें ट्राली में भेजते हैं? हाँ, बच्चों को माँ बाप भेजते हैं पढ़ाने के लिए। आपका नाम क्या है? पप्पू। हमारे स्कूल का नाम चांदीपली मुनि स्कूल है और हमारा स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, हर चीज़ फ्री में मिलती है, जो शिक्षा है हमारी फ्री में। जो आपने यहाँ देखा है और प्रदूषण इतना ज्यादा शहरों में है, उससे मुक्ति मिल सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर आजकल देखने को मिल रहा है कि स्मोक ज्यादा हो गया, पॉल्यूशन की वो बात आ रही है, कोई कह रहा है कि पॉल्यूशन ज्यादा जलाने से हो रही है, कोई कह रहा है कि व्हीकल ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन आप वृंदावन में देखोगे तो यहाँ बुल्स व्हीकल का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि बुल्स के जरिए है ना एक बोगी टाइप में हो रही है, उसमें बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा है। अगर यही पॉलिसी हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या प्रदेश में अगर लागू कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में वो निजात मिल सकती है हमें, ऐसा वृंदावन में देखने को मिला हमें। जहां बच्चों से भी बात की गई है, उन्होंने भी बताया कि ये अच्छा है, अगर हम चाहें तो इसे दूसरे अन्य राज्य में भी इस टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि पुरानी है, हालांकि पुरानी है ये, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है आजकल, उसको देखते हुए ये जरूरी हो चुका है कि अगर ये हो जाए तो अच्छा है। जिस तरह आप देखोगे कि बैल आवारा घूम रहे हैं सड़कों पर, चोट लगने की भी आशंका बनी रहती है, अगर इनको हम स्टार्टिंग से यूज में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट हमें मिलेगा। अर्थ प्रकाश के लिए पमदन ब्रिजा की रिपोर्ट।